शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागपुर शहर में दो राजनीतिक पक्षों की ओर से पहचान कौन चल रहा है। शहर के साहिल सैयद नामक व्यक्ति कई धोखाधड़ी मामले से लिप्त है, साथ ही साहिल भाजपा नेताओं के हनी ट्रैप्स के सुर्खियों में आया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि साहिल सैयद किस पक्ष का कार्यकर्ता है। इस सवाल को लेकर अब भाजपा और महाविकास आघाड़ी में फोटो वॉर शुरू हो गई है। राजनीति में कार्यकर्ता ये अहम होता है। यूं मानो तो कार्यकर्ता पक्ष की रीढ़ की हड्डी होता है। सभी पक्ष अपने अपने कार्यकर्ता जुटाने के काम करते हैं, कुछ नहीं तो दूसरे पक्ष के कार्यकर्ता अपने पक्ष में लेकर पक्ष को मजबूत करते हैं। अगर कोई पक्ष कहे कि ये कार्यकर्ता हमारा नहीं और उसका सबूत भी दे तो जी हाँ, नागपुर शहर में शुक्रवार को ऐसा ही चला। पिछले कुछ दिनों से शहर में मनपा के अधिकारी प्रवीण घंटावार और साहिल सैयद ये दो व्यक्ति विविध मामलों में चर्चा में है। जब से ये चर्चाएं चली तब से भाजपा और सत्ता पक्ष में साहिल किसका कार्यकर्ता है ये बताने के लिए होड़ लग गई है। साहिल भाजपा नेता के हनी ट्रैप में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। इसी को लेकर विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अनिल देशमुख को पत्र लिखकर इस मामले की जांच करने की मांग की थी। शुक्रवार को इस पत्र का जवाब देशमुख ने पत्र देकर दिया। इस पत्र में देशमुख ने साफ तौर पर साहिल सैयद को भाजपा का कार्यकर्ता के नाम घोषित कर दिया। साथ ही आगे उन्होंने लिखा कि भाजपा पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए और पूर्व विधायक सुधाकर देशमुख के साहिल निकटवर्ती है, साथ ही उनका व्यावसायिक संबंध है। इस सिलसिले में हमारे संवाददाता ने अनिल देशमुख से बात की तो उन्होंने कहा कि साहिल सैयद भाजपा का ही कार्यकर्ता है और उनकी नेताओं को वो क्यों फंसा रहा है वो उनको देखना है, क्योंकि ये उनका आंतरिक मामला है। ऐसा है कि साहिल सैयद हा गेल्या 6 वर्षापासून भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। त्याची जी वीडियो क्लिप जी वायरल झालेली आहे की त्यांनी काही भारतीय जनता पार्टीच्या सिनियर नेत्याच्या बाबतीत हनी ट्रॅपचा त्यांनी काही ट्रॅप वाकलेला आहे अशा पद्धतीची याची व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झालेली आहे। मला मोठा आश्चर्य, हा स्वतः भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता, तोच आपल्या सिनियर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याला हनी ट्रॅप करण्याचा प्रयत्न करतो आहे। हा काहीतरी भारतीय जनता पार्टीच्या अंतर्गत प्रश्न मला दिसतो आहे, त्याच्यामुळे हा अंतर्गत प्रश्न त्यांनी स्वतः तिथे सॉल्व केला पाहिजे। पण देवेंद्र फडणवीसांनी जे काही दोन तीन मुद्द्यावर मला जे पत्र दिलं त्याच्या बाबतीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आम्ही नेमलेलं आहे, त्याच्या माध्यमातून चौकशी चालू आहे। पण हा जो आहे साहिल सैय्यद, याच्या बाबतीत त्यांनी स्वतः पक्षाच्या स्तरावर त्यांनी दखल घेतली पाहिजे, कारण की त्यांच्याच पक्षाचा कार्यकर्ता त्यांच्याच वरिष्ठ नेत्यांना हनी ट्रॅपमध्ये फसवायचा प्रयत्न करतो आहे, ही अतिशय गंभीर बाब आहे। गेल्या 6 वर्षापासून तो भारतीय जनता पार्टीचा सक्रिय कार्यकर्ता आहे। गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस आरोप का भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि हमने पत्र में किसी भी पक्ष का या व्यक्ति का नाम नहीं लिया था, मगर जो पत्र अनिल देशमुख इन्होंने देवेंद्र फडणवीस को भेजा इसमें इसका जिक्र है कि साहिल सैयद कभी भी भाजपा कार्यकर्ता नहीं था। अगर किसी नेता के साथ कोई फोटो निकालता है तो इसमें नेता कैसे जिम्मेदार होगा। मैंने अभी ये माननीय देवेंद्र जी ने नागपुर शहर में जो गलत प्रकार चल रहे हैं ऑडियो क्लिप के माध्यम से, कि हमारे माननीय महापौर जी होंगे, हमारे ज्येष्ठ नेता दयाशंकर जी होंगे, महापौर का अपमान यानी शहर का अपमान है, इसलिए उसकी उस ऑडियो क्लिप की राज्य सरकार के गृह विभाग के माध्यम से चौकशी करनी चाहिए। उस क्लिप में जिस न्याय व्यवस्था में हम सबको विश्वास है, हमारी उस न्याय व्यवस्था प्रणाली में विश्वास है, उसके ऊपर भी कुछ लांछन उसमें लगाए गए हैं। तो इन सारी बाबियों का उन्होंने उनके विभाग के माध्यम से, अनिल बाबू हमारे गृहमंत्री है, बहुत ज्येष्ठ नेता है, उनके माध्यम से, उस गृह विभाग के माध्यम से इसकी चौकशी करनी चाहिए, ऐसा पत्र माननीय विरोधी पक्ष नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको लिखा। उस पत्र के उत्तर में बहुत ही दुर्दैवी पत्र, बहुत हल्का पत्र, जिसमें भारतीय जनता पक्ष का नाम है, मैं अभी शहर अध्यक्ष हूँ, मैंने हमारे माजी शहर अध्यक्ष को, पश्चिम नागपुर के माजी आमदार जी को, सारे हमारे संगठन शहर के जो संगठन मंत्री हैं उनसे पूछा है। साहिल सैयद हमारे सामान्य सदस्य भी नहीं है। और फोटो का यदि विषय है तो फोटो उनके यदि भाजपा के नेताओं के साथ है तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं के साथ भी है, लेकिन हमने आरोप नहीं किया, क्योंकि राजकारण में नेता के साथ फोटो निकालना यानी वो नेता की गलती नहीं है।
लेकिन आपने आपके पत्र में इतने बड़े संविधानिक पद पर रहते समय आप इतने ज्येष्ठ नेता है, अनुभवी नेता है, आपके पास गृह मंत्रालय जैसा बहुत बड़ा पदभार है और आपके विभाग के माध्यम से चौकशी होने वाली है, उस चौकशी को हुए बिगर किसी राजकीय पक्ष पर, किसी नेता पर और किसी नेता के साथ उसके आर्थिक संबंध होने पर आपने जो टिप्पणी की है बहुत गलत है। माननीय देवेंद्र जी ने दिए हुए पत्र में किसी राष्ट्रीय पक्ष का नाम नहीं है, किसी नेता का नाम नहीं है, वो एक न्यूट्रल पत्र है, क्योंकि शहर का जो राजकारण है वो राजकीय पक्ष एकमेक के खिलाफ आंदोलन वगैरह सारे बातें चलती है, लेकिन इस गलत पद्धति से हनी ट्रैप होगा, ऑडियो क्लिप होंगी, इसके खिलाफ सभी ने मिलकर इसकी चौकशी होनी चाहिए और जो इसमें दोषी है उसको इसकी बराबर सजा मिलनी चाहिए। फिर वो किसी राजकीय पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो कोई सरकारी अधिकारी हो, बड़ा सरकारी अधिकारी हो, कोई डॉक्टर हो, इसकी चौकशी आपके खाते के माध्यम से होने वाली थी और मैंने आज सुना है कि गुनाह भी दाखिल हो गया है, तो आपको आपके ही खाते के चौकशी के ऊपर भरोसा नहीं है, इससे ऐसा प्रतीत होता है। मैं माननीय ज्येष्ठ नेता, राज्य के माननीय गृह मंत्री अनिल बाबू देशमुख से मैं आह्वान करता हूँ कि इतना गलत पत्र उन्हें वापस लेना चाहिए और चौकशी के बाद जो आरोप पत्र उनको करना है वो उन्होंने कोर्ट में देना चाहिए, जो कहीं कायदे से है वो सब कुछ करना चाहिए। लेकिन माननीय विरोधी पक्ष नेता जी ने जो पत्र दिया था उसमें फिर एक बार मैं बताता हूँ कि किसी पक्ष का नाम नहीं, किसी नेता का नाम नहीं, सिर्फ जो गलत बातें उस ऑडियो क्लिप में है उसके बारे में चौकशी का पत्र दिया था, लेकिन उस पर माननीय गृह मंत्री जी ने जो पत्र दिया है बहुत गलत, बहुत खेदपूर्ण और बहुत हल्का है। मेरा उनसे आह्वान है, वो बहुत ज्येष्ठ नेता है, उन्होंने ये पत्र वापस लेना चाहिए। इस मामले को लेकर शुक्रवार को दोनों पक्षों की ओर से फोटोवार चला और वो तुम्हारा कार्यकर्ता है ये बताकर फोटो का फुटबॉल मैच खेला गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर, वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ अभिषेक पांसे, क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपुर।